सो यो व्हाट्सअप गाइस, कॉम्बोट इज हियर। देखो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर टेक्नो गेमर्स के बारे में। एंड भाई देखो आप में से कोई शायद ही बंगा होगा जो टेक्नो गेमर्स को नहीं जानता होगा, सबके सब जानते होंगे। देखो यहाँ पर टेक्नो गेमर्स इंडिया के बेस्ट गेमर्स के अंदर आते हैं एंड एक काफी बिग क्रिएटर है, गेमिंग क्रिएटर है। भाई देखो यहाँ पर टेक्नो गेमर मेरे मोस्टली फेवरेट गेमर है एंड मैं हमेशा इनको देखना पसंद करता हूँ। देखो आज हम बात करने वाले टेक्नो गेमर्स कुछ अजीबोगरीब बातों के बारे में, कुछ ऐसा नॉन फैक्ट्स के बारे में जो शायद ही आपको पता होगी, मतलब ये वाली बातें आपको शायद पता होगी कि यार ऐसे भी टेक्नो गेमर्स कर सकते हैं, ऐसी बातें कर सकते हैं, इतनी इंटरेस्टिंग है कि बातें बचपन की, वो आपको आज मैं शेयर करने वाला, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पर टेक्नो गेमर ने बचपन में है ना, मतलब पीसी गेम को एंड्रॉइड में चला दिया था, मतलब उनको एक पीसी गेम था जो अपने एंड्रॉइड फोन चला दिया था, मतलब ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी टेक्नो गेमर्स के लिए। एंड जब टेक्नो गेमर ने वो बात अपने फ्रेंड्स को बताई ना, तो वो भी लिटरली चौंक गए कि यार टेक्नो, मतलब टेक्नो का नाम उज्जवल है, तो बोले होंगे उज्जवल यार तूने ऐसे कैसे कर दिया कि पीसी गेम को एंड्रॉइड में कैसे चला दिया, मतलब सब कुछ चौंक गए थे। एंड बैल को पता है कि अगर पीसी गेम है तो उसके हाई ग्राफिक्स आती है, वो हाई आता है गेम, तो यार उसे एंड्रॉइड आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जो कि हमारे टेक्नो भाई ने 3 साल पहले ही कर दिखाया था। करने के बाद ही टेक्नो गेमर ने यहाँ पर अपना गेमिंग चैनल ओपन किया था एंड वो अलग अलग गेम को लो डिवाइस में चला दिया करते थे, ठीक है, मतलब कोई पीसी गेम होता है उसको लो डिवाइस चला देते थे, कोई बड़ा 2-3 GB का गेम है उसको भी, मतलब 2-3 GB के गेम को भी वहाँ पर लो डिवाइस में चला देते थे। बातों की पहली बात थी यहाँ पर टेक्नो गेमर ने पीसी गेम को एंड्रॉइड चला दिया। तो भाई वो आप में से किस किस को पता थी ये बात कमेंट जो बताना, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। अगर आपको पता थी कि टेक्नो गेमर ने पीसी गेम को एंड्रॉइड में चला दिया था वाकई में, तो आप कमेंट में बताना कि हाँ मुझे पता था ये बात का, और नहीं पता नो करना। ये बात हो गई कि टेक्नो गेमर ने पीसी को एंड्रॉइड में चला दिया था गेम को। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वाली बात के बारे में कि नेक्स्ट वाली जो भी बात एंड फोन सा अननोन फैक्ट्स नेक्स्ट वाला आने वाला टेक्नो गेमर्स का। देखो ये वाली बात है ना, ये टेक्नो गेमर्स की बहुत ही फनी बात है एंड इस वाली बात को सुनने के बाद लिटरली आप हंसने लगोगे, इसे बहुत ही फनी बात है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, अगर आप एक गेमर हो एंड एक यूट्यूबर हो, ठीक है, तो आप अपना जब भी आप गेम प्ले रिकॉर्डिंग करते हो तो आप कैसे करते हो, आप बोलोगे कि मेरे फोन के अंदर विक्की भाई फोन के अंदर रिकॉर्डिंग उससे करता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टेक्नो गेमर ने ऐसा नहीं किया, जब वो फर्स्ट बार यूट्यूब कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा क्या करा, क्योंकि देखो यहाँ पर उनको पता नहीं था कि इसकी रिकॉर्डिंग होती है और इसको उनको ये पता नहीं था कि हमारे फ़ोन में इसकी रिकॉर्डिंग होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी उनके उनका फ़ोन छोटा फ़ोन होगा तो उसमें इसकी रिकॉर्डिंग होगी ही नहीं यार। यहाँ पर टेक्नो गेमर ने बहुत ही फ़नी चीज़ कर दी, एंड फ़नी चीज़ ये थी कि वो अपने भाई से बोले कि मैं अपने फ़ोन में गेम प्ले खेल रहा हूँ एंड आप मोम के फ़ोन को लेकर कैमरा ओपन करके मेरे डिस्प्ले को रिकॉर्ड करो, यानी कि टेक्नो गेमर्स तो फ़ोन में गेम खेल रहे हैं एंड उनका जो बड़ा भाई है वो फ़ोन लेकर उनकी रिकॉर्डिंग को, उनकी जो मतलब डिस्प्ले है टेक्नो गेमर्स की, उनको रिकॉर्ड कर रहा है, यानी कि यार वो एक गेम प्ले को कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं दूसरे फ़ोन से, मतलब इतनी फ़नी बात हो गई ना यहाँ पर। देख लो यार आज वैसा करने वाला बंदा आज मतलब इंडिया का गेमर है यार। तो ये वाली बात बहुत ही फनी थी टेक्नो गेमर की यार, उन्होंने मतलब यार अपने फ़ोन में गेम खेलने को अपने भाई को बोला कि आप रिकॉर्डिंग करो, वो भी दूसरे फ़ोन से, तो बहुत ही फनी बात थी। जब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाली बात के बारे में कि नेक्स्ट अननोन फैक्ट कौन सा आता है एंड ये वाली कौन सी बात होने वाली है। अगर आपको लगता है कि टेक्नो गेमर का जो चैनल है वो फर्स्ट वाला चैनल ही है तो आप गलत हो, टेक्नो गेमर ने पहले भी कई चैनल बनाए हुए हैं। अब देखो यहाँ पर टेक्नो गेमर ने जो पहला चैनल बनाया था वो तो उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने ईमेल वेमेल आई डी वाली गुम गई होगी, ठीक है, इसलिए बंद कर दिया। लेकिन सेकंड जो बनाया उस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया होगा, ठीक है, यानी कि हर एक गेमर होता है जब चैनल स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उनको पता नहीं होता है कॉपीराइट क्लेम एंड कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, ठीक है, तो वो कुछ गलती कर देते हैं, उनका चैनल डेट हो जाता है या कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेक्नो गेमर भाई हैं उनके 2-3 चैनल खराब हो चुके थे एंड एक चैनल तो उन्होंने खुद ही क्विट कर दिया, क्योंकि यार वहाँ पर वो अलग अलग चीज़ें कर रहे थे, अलग अलग गेम पटक रहे थे, अच्छा चैनल चैनल पूरा बिगड़ गया, ठीक है। तो उनके भाई ने बोला कि एक काम कर, तू इस चैनल को बंद कर दे एंड अब खोल दो टेक्नो गेमर नाम चैनल, ठीक है, तो वो चलेगा तेरा। तो इस प्रकार से यहाँ पर टेक्नो गेमर से 3-4 चैनल खराब हो गए एंड अब देख रहे होंगे टेक्नो गेमर्स एंड उज्जवल ये दो बच्चे। ये बात तो हो गई, बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाली बात के बारे में कि नेक्स्ट वाली बात कौन सी होने वाली है। वाली बात यह है कि भाई ने साथ दिया, अगर भाई ने साथ नहीं दिया तो टेक्नो गेमर नाम का बंदा होता ही नहीं। देखो भाई लोगों यहाँ पर अगर कोई गेमिंग कर रहा है, कोई कुछ करना चाहता है ना, तो उसको फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर फैमिली सपोर्ट ना भी हो तो यार एक बंदा, एटलीस्ट एक बंदा सपोर्ट करे उस बंदे को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि टेक्नो गेमर जब वीडियो बना रहे थे तो उनके भाई ने उनको देख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो मतलब उनके भाई थे उन्होंने उनको सपोर्ट किया टेक्नो गेमर्स को, बोले कि तू वीडियो बना, तू अच्छा कर रहा है, कुछ नहीं इसमें अच्छा पढ़ा भाई, तू अच्छा पैसा कमाएगा, ठीक है, जो कि कमा भी रहा टेक्नो गेमर्स। तो यह है कि अगर कोई बंदा साथ देता है फैमिली मेम्बर तो बंदा बहुत आगे जा सकता है, ठीक है।
तो ये बात है। एंड टेक्नो गेमर्स ने बहुत अच्छा किया, उसके भाई ने मतलब उसका सपोर्ट किया तो अच्छा हुआ ठीक उनके साथ। तो भाई ये है भाई, देखो भाई 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 भाई, भाई साथ देता है हमेशा। बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि नेक्स्ट अननोन फैक्ट्स कौन सा है एंड नेक्स्ट अजीबोगरीब बात कौन सी है टेक्नो गेमर्स की। तो अजीबोगरीब बात तो नहीं बोलेंगे, अच्छी बात बोलेंगे इसको। तो यहाँ पर जो टेक्नो गेमर्स थे वो पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे एंड वो हर चीज सब्जेक्ट में टॉप करते थे एंड उनके पास बायोलॉजी थी। तो आप यहाँ पर सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे जिनके ऊपर साफ दिख रहा है कि यहाँ पर टेक्नो गेमर्स का चश्मा लगा हुआ है एंड वो शुरुआत से ही भाई यहाँ पर पढ़ाकू रहे हैं एंड बहुत ही अच्छी पढ़ाई करते होंगे। एंड देखो यहाँ पर सामने एक स्केल्टन भी पढ़ा है, यानी कि जो मतलब कंकाल पढ़ा है, जो कि ओब्वियसली बायोलॉजी सब्जेक्ट के मतलब स्टूडेंट को मिलता है ठीक है। ये तो मतलब टेक्नो गेमर्स ने बायोलॉजी ले रखी है तो एटलीस्ट वो अच्छे अच्छे होंगे ठीक है, मतलब अच्छे पढ़ने में अच्छे होंगे। तो भाई लोगों ये बात बहुत अच्छी है टेक्नो गेमर्स की कि जिस गेम में भी वो अच्छे हैं एंड वो पढ़ने में भी काफ़ी होशियार है। तो ये बात हो गई यहाँ पर टेक्नो गेमर्स की पढ़ने में वो टॉप थे भाई। भाई लोगों ये बात हो गई टेक्नो गेमर्स पढ़ने में टॉप थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर लास्ट टॉपिक के बारे में एंड ये वाला टॉपिक थोड़ा बहुत वियर्ड सा है ठीक है। वियर्ड सा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर टेक्नो गेमर ने एक रिसेंट वीडियो में खुद बोला है कि यहाँ पर वो स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग करना चाहते थे, ब्लॉगिंग उन्होंने ट्राई भी किया था बट ब्लॉगिंग उनसे हुआ नहीं ठीक है। तो भाई लोगों देखो यहाँ पर टेक्नो गेमर्स है ना, पहले आप एक क्लिप देख लो। हर चीज में फेल हुआ यार, मतलब मैं सर्वर बना रहा हूँ उसमें फेल हो रहा हूँ, ब्लॉग करना चाह रहा था बट मेरे से नहीं हो रहे थे अच्छे से। अब वो पता नहीं कैसे भी हो बट मुझे खुद नहीं मजा आ रहा था, इसलिए मैंने आज तक अपने मैक्सिमम ब्लॉग्स अपलोड नहीं करे। तो देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो मतलब ब्लॉगिंग करने का ट्राई किए थे बट उनको शर्म आती है एंड तो उन्होंने नहीं किया होगा शायद लग रहा है। तो यार यहाँ पर जो टेक्नो गेमर्स है ना उन्होंने ब्लॉगिंग भी ट्राई की थी ठीक है। तो ये बात हो गई कि स्टार्टिंग में उन्होंने ब्लॉगिंग ट्राई किया बट उनको शर्म आ गई। लेकिन यहाँ पर है ना एक फनी बात और निकल के आ रही है। वो बात यहाँ पर है कि भाई जो टेक्नो गेमर्स है जो बचपन में गेम खेला करते थे तो उनको कभी कभी मार लगती थी, मतलब उनके पिताजी उनको मारते थे, पापा जी उनको मारते थे एंड उनकी जो माँ उनको मारती थी। क्योंकि यार ऑब्वियसली बात अगर कोई बच्चा गेम खेलेगा ना तो उसको मार पड़नी चाहिए, मतलब पड़ती है ठीक है, मतलब मेरे भी पड़ती है, सबके पड़ती हो, आपके पड़ती होगी ठीक है। तो उस समय पता नहीं होगा ना घर वालों की टेक्नो गेमर इतना बड़ा बन जाएगा, इतना पैसे कमाएगा, कुछ नहीं बताता। तो भाई हुआ क्या कि जब टेक्नो गेमर गेम खेला करते थे तो टेक्नो गेमर्स को है ना उसके बिहेवियर मार दिया करते थे, दो तीन थप्पड़ पड़ के यार क्या कर रहा है, ऐसा पढ़ने में ध्यान दे, वैसा कर वैसा कर। एंड ये वाली बात है ना यहाँ पर जोश टाल्क से शो में टेक्नो गेमर ने कही है कि शुरुआत में उन्हें बहुत डांट पड़ती थी, तो डांट का मतलब ये है कि उनको मार भी पड़ती होगी ठीक है। तो भाई लोगों यार ये है कि अगर कोई बंदा गेमिंग करता है ना, मतलब शुरू से गेमिंग करता है, भाई देखो मेरे को भी पड़ी है दो तीन बार, तो हर एक गेमर को ऐसे पढ़नी चाहिए। तो क्योंकि पढ़ती है, क्योंकि घर वाले कभी भी सपोर्ट नहीं करते गेमिंग को, क्योंकि उनको लगता है कि गेमिंग वाले मजे के लिए बनी है एंड गेमिंग से बंदा कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन भाई गेमिंग में सब कुछ है, समझ रहे हो। तो ये बात हो गई लास्ट वाली बात। तो बात करें तेरे फैमिली मेंबर के बारे में, तो फैमिली मेंबर में इनके बड़े भाई का नाम है अंकित चौरसिया एंड इनके मॉम डैड भी है, आप देख सकते हो फोटो में दिख रहे होंगे। एंड भाई लोगों ये जो मतलब है यूपी से बिलोंग करते हैं, शुरुआत से टेक्नो गेमर को यहाँ पर गेम्स की बहुत ज़्यादा आदत थी एंड बहुत ही ज़्यादा गेम खेला करते थे। एंड अब बात करें उनकी हॉबी की, तो भाई हॉबी ट्रैवलिंग एंड गेमिंग ही है। एंड सबसे मेन बात यह है कि उनका जो फेवरेट एक्टर है वो सलमान खान है एंड फेवरेट एक्ट्रेस जो है वो है दीपिका पादुकोण। तो यार देखो यही थे टेक्नो गेमर्स में कुछ अजीबोगरीब बातें बता दी आपको मैंने। यही था इस वीडियो के अंदर, आयो आपको वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना होता है फ्री, तो क्या कर रहे हो कर देना अगर वीडियो पसंद आया तो। एंड भाई लोगों अगर आप टेक्नो गेमर्स के रियल में फैन हो ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अगर आप अनलिमिटेड फैन हो ठीक है, मतलब टेक्नो गेमर्स के, तो इस वाले वीडियो को शेयर करना मत भूलना मेरे भाई। तो चलो फिर बाय बाय।